शक्ति को दिखाने के लिए ये सरकार ने मजबूर किया है। खेत की मां मजदूर को तोड़ा जा सकता है और ये हमारी ताकत को ये कमजोर नहीं किया जा सकता है। पूरे हरियाणा के अंदर हम जेल भरेंगे, आंगनबाड़ी की वर्कर और हेल्पर 52,000 पूरी की पूरी। बोला कि जो न्यूनतम वेज है उसके जो महंगाई बता उसको जोड़ने को तैयार है, बट जो 1500 रुपया वर्कर का और 750 रुपया हेल्पर का और 1250 रुपया मिनी का जो भारत सरकार ने अक्टूबर 2018 में बढ़ाया था वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि सीएम साहब एक बार ऐलान कर चुके हैं। तो इसलिए यूनियन ने वार्ता को उठ के अपना बैकआउट किया कि अगर जो हमारी मांग है, क्योंकि ये तो अक्टूबर 2018 को मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, उसका जियो हो चुका है। भारत सरकार के ऑर्डर को हरियाणा की खुद बीजेपी सरकार लागू करने से भाग रही है, तो उसको लागू करवाने के बिना आंदोलन वापस नहीं होगा। देखिए ये तो हमारे मजबूरन हमारे अपने शक्ति को दिखाने के लिए ये सरकार ने मजबूर किया है। ये पिछले एक महीने से ये तो ठंड में अपने घर बार बार छोड़ के आंदोलन कर रही है और कोई नाजायज कोई भी मांग नहीं है। हम चुनौती देते हैं कि कोई भी बोले कि कोई एक मांग में कोई चीज़ गलत है या उसको करने के लिए सरकार के पास में साधन नहीं है, तो हम चुनौती देते हैं। और ये भी नहीं, ये सिर्फ अपने लिए मांग नहीं कर रहे हैं, ये देश की भविष्य है, ये देश के बच्चे और उनका भविष्य बनता है कि इन्हीं के हाथों में, और उनका जो पोषण और उनका स्कूल पूर्व शिक्षा ये सब के लिए ये देश के निधि खातों में सौंपने जा रहे हैं और उसके लिए बजट का आवंटन का कटौती कर रहे हैं। और ये सरकार की नीति, चाहे वो हरियाणा का भाजपा सरकार हो या केंद्र का भाजपा सरकार हो, वो नीतियों के खिलाफ में ये मांग है कि निजीकरण बंद किया जाए और इसके अंदर पूरा साधन दे। और ये भवन किराया तक जो है सरकार खुद ऐलान किया हुआ भवन किराया तक नहीं दे रहे, वो भी मांग पत्र का हिस्सा है। तो ये और उसके बाद में वार्ता हो गया और कोई भी नहीं है कि उसके अंदर यूनियनों को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। तो हम इसका यह है कि हम इधर जो चीफ मिनिस्टर के सिटी में ही आके यह दिखाना चाहते हैं कि न मजदूर को तोड़ा जा सकता है और ये हमारी ताकत को ये कमजोर नहीं किया जा सकता। लड़ाई थी, वार्ता चल रही थी, तो कुशल है कुशल वाले पे तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये आगे से हम दे देंगे और महंगाई भत्ता आगे से आपका हर साल जुड़ जाएगा, हम आपको उस कैटेगरी में ला देंगे। लेकिन इस बात पे जो कि हम ये जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा कर रखी है दिवाली के तोहफे की 1750 और 1500, ये हम नहीं देंगे। इस बात पे हमारी वार्ता आज टूट गई है और हमने तालमेल कमेटी ने पहले से मीटिंग करके ये आह्वान किया था, यदि हमारी ये जो 2-3 मांगे हैं इन पे हमारी वार्ता सफल हो जाती है तो हम अपना आंदोलन वापस लेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी वार्ता टूट गई है तो अब हम जो है अपनी जो हड़ताल है उसको जारी रखेंगे। जैसे जिलों पे पहले से हमारे धरने चले हुए थे वैसे ही धरने जारी रहेंगे और 12 जनवरी को पूरे हरियाणा के अंदर हम जेल भरेंगे आंगनबाड़ी की वर्कर और हेल्पर 52,000 पूरी की पूरी।